लकीली फॉर्चुनेटली कोई बहुत कैजुअलिटी नहीं हुई है, सारे बच्चे ठीक हैं। मैं खासकर बठिंडे के लोगों जिन्हों के बच्चे इतने ने उन्होंने मैं थोड़े माध्यमिक मैसेज दिना कि उन्होंने दिमाग में कोई एंजाइटी रखने की जरूरत नहीं है। पूरी टीम साड़ी नंगल की उन्होंने बच्चों के ना खड़ी हुई है, पूरा स्टाफ जोड़ा गा मैडिकल एंड पैरामैडिकल सारे लोग इतने खड़े ने। बैन साहब वालों एक स्पैशल मैसेज है कि वो लोग उतों घबरा के इधर आने का ना सोच, क्योंकि सारा कुछ ठीक है। अगर कोई ये गाड़ी जो है नंगल से भाखड़ा की तरफ आ रही थी बच्चों का टूर लेकर, तो इधर ग्वालथाई से नज़दीक चौकी से कुछ 1.5-2 किलोमीटर नीचे जो है ये गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई, कहते हैं ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई और गाड़ी पलट गई है। की नाम है जी? ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ ਸੱਟਾਂ ਮੋੜੀ ਮੁੱਕੇ ਮੱਥਾਂ ਤੇ ਬਿਲ ਜੀ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਕਾਰਨ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਗਾੜੀ ਆ ਰਹੀ ਥੀ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਲਗਾ? ये गाड़ी जो है नंगल से भाखड़ा की तरफ आ रही थी बच्चों का टूर लेकर, तो इधर ग्वालथाई से नज़दीक चौकी से कुछ 1.5-2 किलोमीटर नीचे जो है ये गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई, कहते हैं ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी की
ब्रेक फेल हो गई और गाड़ी पलट गई है। कैसी जानी मानी, ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बच्चों के थोड़ी बहुत चोटें आई हैं जिनमें बच्चों को जो है हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। सभी बच्चे सुरक्षित थे। कितने बच्चे थे इसमें? 58 बच्चे थे और 7 जो स्टाफ मेंबर्स थे। कहाँ से कहाँ, पता कुछ कहाँ से आ रहे? ऐसा मालूम नहीं है, उस टाइम इतना पता पूछा नहीं उनसे। कहाँ भेज दिए सभी? इनको नंगल हॉस्पिटल में भेजा है। कब हुआ ये हादसा? ये हादसा करीब 1-1.5 के बीच में हुआ। मेरा प्रिंस है जी। प्रिंस जी केड़े स्कूल तो आए थे, कितने चले सके? बोर्जिकल तो आए थे, नंगल डैम चले सी जी। कितने होया हादसा, किमें होया, किन्ने तो बच्चे? उस बस दी ब्रेक फेल हो गई जी। अच्छा जी, हाँ जी। किन्ने बच्चे सके? हाँ जी 50 बच्चे सी जी। सब ठीक है जी? हाँ जी हाँ जी। तो हुण की कीता जा रहा है जी? बस इलाज करता जी साडा, असीं जावांगे जी बस करवा रहे। हेलो, किन्ने बच्चे, किन्ने टीचर थे जी? 50 बच्चे ही, 7 टीचर सी जी। सब ठीक है जी? हाँ जी हाँ जी। हेलो, हादसा कितने बच्चे आए थे यहाँ पे जी? देखिए, हमें न्यूज़ मिली थी कि एक बस पलट गई है भाकड़ा की तरफ और कम से कम 45-50 बच्चे बस में थे, तो बारी बारी से 3-4 बसें भर के आई थी फर्स्ट एड के लिए। लकीली फॉर्चुनेटली कोई बहुत कैजुअलिटी नहीं हुई है, सारे बच्चे ठीक हैं। बस 15-20 बच्चों को थोड़ी सी चोट आई है, थोड़ी सी, उनको भी फर्स्ट एड दे दिया, वो भी ऑब्जर्वेशन में है। Everything is going well. हम लोग सब कर रहे हैं और सबको ठीक करके ही भेजेंगे। ਅਸੀਂ BBMP ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭੇਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਵੀ ਜਾਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। बस की थोड़ी ब्रेक जी नहीं लगी है, ब्रेक जी अपना काम करना छड़ दो। नहीं नहीं दूर आओगे जब बच्चे भेज देंगे। ठीक है बच्चे साहब। डॉक्टर साहब, इन्हों बच्चों का जो है स्कूल स्टाफ का कोई इंतजाम वगैरह वापस जाने का किया गया है, थोड़े वालों दस्या जाए? सर, हुणी साडी गल हुई है प्रशासन ने भी, SDM भी, बैंस साहब ने, पूरे प्रशासन DC तक के सारे ने, जोड़े भी तहसीलदार साहब SDM उन्होंने ड्यूटी लगाती है कि बच्चों का हर तरह का इंतजाम कर देना चाहिए और बच्चों हम बस भी साढ़े पास आ जाएगी, तो नाल खाने पीने का भी इंतजाम सारा हो गया। मैं खासकर बठिंडे के लोगों जिन्हों के बच्चे इतने ने उन्होंने मैं थोड़े माध्यमिक मैसेज दिना कि उन्होंने दिमाग में कोई एंजाइटी रखने की जरूरत नहीं है। पूरी टीम साड़ी नंगल की उन्होंने बच्चों के नाल खड़ी हुई है, पूरा स्टाफ जिहड़ा गा मैडिकल एंड पैरामैडिकल सारे लोग इतने खड़े ने। बैंस साहब वालों एक स्पैशल मैसेज है कि वो लोग उतों घबरा के इधर आने का ना सोच, क्योंकि सारा कुछ ठीक है। अगर कोई गल होंगी तो असं दसना सी, एक बच्चे तो थोड़ी हल्की जी चोट लगी हुई है, उसकी ड्रेसिंग वगैरह हो गई है, तो एक बच्चा थोड़ा घबराया हुआ मन च, उन्होंने डर बैठ गया किमें हो गया की होएगा। वो फिर बच्चे जोड़े है छोटी उम्र करके घबरा जाते, उन्होंने पेरेंट्स को भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, उन्होंने टीचर सारे ठीक है, टीचर नाल है। सो बार बार मेरी को बेनती है कि जिस स्कूल तो ये बच्चे आए हैं, जिस एरिए तो बच्चे आए हैं, उन्होंने पेरेंट्स बिल्कुल भी ना घबरा, सारा कुछ ठीक ठीक है। क्या हादसा हुआ, फोन यहाँ पहुँच गए हो तो BBMP क्या कर रहा है, हादसा क्या हुआ? जैसे ही ये कोई बच्चे रामपुरा साइड से भाखड़ा घूमने गए थे, रास्ते में जैसे पता लगा नहीं बस पलट गई, उसी टाइम BBMP के ध्यान में जब से आया तो एम्बुलेंस और बस से इनको इमिडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ पर डॉक्टरों की टीम ने इनका पूरा रखरखाव, कोई सीरियस इंजरी नहीं पाएगी, जो माइनर 5-10 बच्चों को चोटें थी उनका इलाज और सभी बच्चों को चेक कर लिया गया और एक्सरे वगैरह भी चेक कर रहे हैं ताकि किसी को दिक्कत हो तो उसको रेक्टिफाई करा जा सके। गाड़ी का इंतजाम BBMP की तरफ से किया? BBMP यहाँ से इनको अभी खाना खिलाने के लिए गुरुद्वारे लेके जा रही है सब बच्चों को, क्योंकि खाने का अरेंजमेंट वहाँ कर दिया गया और बाकी भी जो इनको ग्लूकोज या उसकी जो भी सुविधाएं हॉस्पिटल से वो सभी प्रदान की जा रही है। अभी डॉक्टर से मैंने पूछा, वो रेड क्रॉस से भी अगर जरूरत हो तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं इसमें सेवा करने के लिए, पर वो कह ऐसी कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है, अभी तो हॉस्पिटल से मेडिसिन सारी मीट भी हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। मनजोत कौर है? मनजोत कौर। जोत कौर केड़े स्कूल पढ़ती? सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कितने आए थे, कितने चले थे? ਬੁਰਜ ਗਿਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਟੂਰ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਣ ਵਾਗੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟ ਆਈ ਆ। ਬੁਰਜ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ, ਇਹ ਕਿਆ ਸਾਰਾ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਆ ਹੋਈ?
ये बस जा रही थी नंगल से भाखड़ा शहर टूर पर आई थी बसें और वहाँ लिंडे के पास ही बस अचानक पलट गई। तो प्रीलिमिनरी स्टेज पर जो बच्चों से पूछताछ हुई, बच्चे तो कुछ नहीं बता पा रहे, ठीक है, लेकिन 3 इसमें 58 बच्चे थे और 7 स्टाफ के आदमी थे, टोटल 65 पर्सन बैठे थे, जिन्हें बच्चों 3 या 4 बच्चों को माइनर इंजरी है, बाकी सारे बच्चे ठीक हैं। तो आपने तुरंत कार्रवाई करते हुए क्या किया जी? ना, हम मौके पर गए, मौके से बच्चों को जो जो इंजर्ड थे उनको एम्बुलेंस में यहाँ बीबीएमबी हॉस्पिटल नंगल में शिफ्ट कर दिया। हाँ, और बस अभी फिलहाल बस को सीधा मान लो रोड पर लाने के लिए।